तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड ये जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले बात मैं करूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आ रहा है कि सर आपने जो भी बताया, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रिप्ट में बताया, वो कहीं ना कहीं उतना क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आया है। क्लियर? तो देखिए, जहाँ तक मैथमेटिक्स का सवाल है तो क्वेश्चन तो हूबहू आएगा नहीं। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, और अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भरोसे अगर आप बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप के साथ, अपने परिवार वालों के साथ कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं आप। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सीरीज लेके आऊं। मेरा ये मेन पर्पस है कि अगर कम से कम आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो कम से कम आप उतनी चीजों को अच्छी तरीके से करके जाइए। क्लियर? अदरवाइज आपके सामने पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है, आप पूरे सिलेबस को अपने 6 मंथ के ड्यूरेशन में पढ़ सकते हैं। तो किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी टीचर को, या फिर किसी भी जो भी आपको गाइड कर रहा है उसको डायरेक्टली आप इस तरह ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने जो बताया वो गलत बताया या फिर जो बताया वो नहीं आया। कहीं ना कहीं ये उसके लिए एक डीमोटिवेशन का कारण बन सकता है। क्लियर? और एक बच्चे ने मेरे पास कमेंट किया था, जो कि डेटा स्ट्रक्चर के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सीरीज लाया था, तो उसमें कहा था उस बच्चे ने कि सर मैंने इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है, अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो आप समझ लीजिएगा ये वो ऐसा कुछ उसने कहा था। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कहीं ना कहीं वो मुझे, मेरा शौक नहीं है कि मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सीरीज लाऊं, क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से कवर अप किया है, प्रॉपर वीडियो को मैंने बनाया है, हर टॉपिक वाइज मैंने अच्छी तरीके से उसको डिस्कस किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सीरीज लाने का मेरा मेन पर्पस ये है कि कम से कम एग्जामिनेशन से पहले आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइए। अगर मैं डिस्क्रीट की बात करूँ तो मैंने कहा था कि ट्रोटोलॉजी पर आपको प्रैक्टिस आउट करके जाना है, तो ट्रोटोलॉजी का तो एक सवाल आपके सामने आया ही था जो कि 7 नंबर का सवाल था, 7 नंबर आपका टोटोलॉजी का हो गया। और उसके बाद हम लोग, मैंने कराया था रिकरेंस रिलेशन, तो रिकरेंस रिलेशन आपका 7 नंबर का हो गया। क्लियर? उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को भी बताया था जिसमें टोटोलॉजी, कॉन्ट्रेडिक्शन, ये सारी चीजें थी आपकी, तो कहीं ना कहीं वो 7 नंबर के सामने आपके सामने मौजूद है। और जो आपका ये आपका डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म था, वो भी आपके सामने 7 नंबर का क्वेश्चन था। तो यहाँ से आप नंबर का एनालिसिस कर लीजिए ना, अगर आप इतने ही पार्ट को अच्छे तरीके से कवर अप कर लेते तो कहीं ना कहीं आप पास तो कर ही सकते थे। अगर इतना भी आपने नहीं किया तो कम से कम आप उम्मीद रखिए हिम्मत। क्लियर? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। अदरवाइज अगर आप कहेंगे तो ही मैं अगले पोर्शन की तरफ बढ़ूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सीरीज में लाऊंगा। अगर अदरवाइज मैंने डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन को तो प्रोवाइड किया ही, लेकिन मैं सोच रहा था कि उसके सोल्यूशन को भी प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि आपका कुछ भला हो जाए। अगर आपके सोल्यूशन, आपको डेटा स्ट्रक्चर का सोल्यूशन चाहिए या भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सीरीज अगर आप चाहते हैं अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही मैं अगले वीडियो सीरीज को लाने की कोशिश करूंगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर वो बच्चा जो इस तरह की सोच को रखता है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।